आज बच्चों में वजन बढ़ाना, इसके बारे में आपको कुछ हेल्थ टिप्स दूंगी। माओं को लगता है कि उनका बच्चा बहुत अच्छा दिखे, मोटा दिखे, दिखने में अच्छा हो, ऐसे लगता है। लेकिन आज मैं उनको बताऊंगी कि बच्चा मोटा दिखना ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो मेंटली बहुत स्ट्रांग रहे, उसका ब्रेन बहुत तेज़ हो और उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी रहे, मतलब बार बार वो बीमार नहीं पड़े, ऐसी उसकी सेहत रहनी चाहिए। फिर भी देखो कि बहुत बच्चे छोटे हैं, मतलब मैं बिल्कुल ही पतले दुबले पतले हैं, तो उनके लिए मैं ज़रूर बताऊँगी कि जो चीज़ें उनकी सेहत के लिए अच्छी हैं। और बच्चे मोटे हों या बड़े, ये देखिए, बच्चे तेज़ होने चाहिए, सभी में तेज़ होने चाहिए, मतलब स्मार्ट दिखने भी चाहिए और स्मार्ट रहने भी चाहिए। उनका दिमाग बहुत अलर्ट रहना चाहिए और एक बात की वो चुस्त रहने चाहिए, खेलने में बहुत एक्टिव रहने चाहिए, स्कूल में एक्टिव रहने चाहिए, घर में एक्टिव रहने चाहिए। ऐसे बैठे हैं, सुस्त है, कहीं दिमाग नहीं चलता, कहीं देखते हैं क्या करते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। इनकी वजह, इसके लिए बच्चे तेज होने के लिए, बच्चे मोटे होने के लिए नहीं कहूँगी, लेकिन फिर भी उनका वेट बढ़ता है और इसके लिए मैं आपको ये कुछ चीज़ें बताऊँगी, बहुत ही शॉर्ट में बताऊँगी। आप तो अपने बच्चों का सेहत बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखती होगी सेहत का, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं, ये टिप्स हैं, ये उनमें ऐड कर लीजिएगा। अभी आपको मालूम है कि बच्चे दूध बहुत अच्छी तरह से पीते हैं, बच्चों को दूध बहुत अच्छा लगता है, तो उसके लिए उसमें आप शुगर मिला के देते हो, तो आप उसमें जितना शुगर मिलाते हो ना, उसकी थोड़ा सा हाफ कर दें, क्योंकि उसमें आप हनी मिला के दे दे चलेगा। लेकिन आजकल की जो शुगर रहती है ना, वो केमिकल्स रहते हैं, तो उसकी वजह से वो स्वीटनर है, सिर्फ उसका टेस्ट स्वीट है, और उससे तो आप बच्चे की ओबेसिटी होती है, मतलब मोटापा बढ़ जाता है, वो कुछ अच्छा हेल्दी नहीं रहता। इसीलिए आप पहले से अगर उनका शुगर इंटेक थोड़ा कम कर लो तो अच्छा रहेगा। बच्चे 2-3-4 चम्मच डाल के लेते हैं दूध में, तो वैसा मत कीजिए, आधा चम्मच ही डाल दीजिए, और उसके बाद में आपको जो भी एनर्जी उसमें एडिशन में कुछ सप्लीमेंट्स डालने हैं तो डाल दीजिए। लेकिन मैं तो आपको बोलूँगी कि एक बरस के बाद जो भी आपको बच्चों को हेल्थ के लिए, सेहत के लिए देना है, वो एक बरस के बाद ही दीजिए। उनको आप ड्राई फ्रूट का पाउडर बना के दूध में डाल के दे सकते हो, और उसमें तो आप आलमंड और कैशू, बादाम और काजू, पिस्ते, इनकी पाउडर बना के आप दूध में से दे सकते हो। और बच्चों को ना आप काले मनुके खाने के लिए दे सकते हो। कभी कभी तो क्या होता है कि बच्चों को ना हम लोग दूध में से भिगो के मनुके देते हैं, लेकिन वो बाद में वो बच्चे खाते नहीं, क्योंकि वो वैसे ही खाओ तो बहुत अच्छे लगते हैं, चबा चबा के खाते हैं, और दूध में से खाओ तो वो अच्छे नहीं लगते टेस्ट में, इसीलिए वो नहीं खाते। तो उनको बोल देना कि आप चबा चबा के खाओ, रोज़ उनको एक 5-6 मनुके, काले मनुके जो रहते हैं वो आप दे देना। और वैसे भी उनको आलमंड्स भी ना, तो आप उनको चबा चबा के खाने के लिए बोलना, काजू वो भी चबा चबा के खाने के लिए देना। बच्चे अगर छोटे हैं, चबा नहीं सकते, तो आप दूध में उनकी पाउडर बना के दे सकते हो। अंजीर भी बहुत उनके लिए अच्छा है। अभी मैं फ्रूट में बोल दूँ तो आपको बनाना फ्रूट उनको बहुत अच्छा है, दिन में 1-2 बनाने वो बनाना खाते हैं तो बहुत अच्छा है। छोटे जब रहते हैं तो वो उनको आप उसकी प्यूरी बना के दे दीजिए मिक्सर में से निकाल के, नहीं तो वैसे ही बच्चे 1.5 साल के बाद वो बनाना खाने लगते हैं। तो एक बनाना तो बिल्कुल आप उनको दे देना, 10-12 साल तक एक बनाना रोज़ उनको दे देना, उसका ब्रेन, उसके लिए उनके ब्रेन टॉनिक भी रहता है। और कुछ कुछ कोई कोई बच्चे जो होते हैं ना, वो बहुत चिड़चिड़े होते हैं, बहुत इरिटेटिंग होते हैं, उनके लिए ये बनाना बहुत अच्छा काम कर रहा है, मनुके बहुत अच्छे काम करते हैं, तो इतने चिड़चिड़े नहीं होती, क्योंकि ये इनमें से ना जो विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं उनसे उनकी बॉडी भी ना सेहतमंद रहती है। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि बॉडी में विटामिन डिफिशियंसी आ जाती है और हमें समझता नहीं, और बच्चे चिड़चिड़े रहते हैं, बहुत ऐसे बिल्कुल ही गुस्सा हो जाते हैं जल्दी जल्दी, उसका कारण यह रहता है कि विटामिन डिफिशियंसी रहती है, इसीलिए बच्चे ये
ऐसे रहते हैं। और बहुत बार बाहर का कुछ ज़्यादा पैकेट में से फूड खाए तो भी बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, मतलब गुस्सा करते हैं, तो वो भी थोड़ा सा बंद कर दीजिए। और अभी देखिए कि कैरेट जूस आप उनको, कैरेट वैसे भी खाने के लिए दे सकते हो, कैरेट उनको जितना आप दिन में एक बार जब कैरेट का सीज़न होता है तब दे देना। और वैसे तो आप उनको पालक की सब्ज़ी, उनको तो पनीर अच्छा है तो पालक पनीर उनको रोज़ भी खिलाओगे तो भी चलेगा, लेकिन स्प्राउट उस उनकी जी स्प्राउट की उसल जो बोलते हैं, स्प्राउट की सब्ज़ी भी आप उनको बना के ले लेना। सैलड में तो उनको टमाटो और ककड़ी खिला देना। अभी मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर उनको नारियल पानी अच्छा रहता है ना, वो ग्रीन वाला नारियल नहीं जो हम भगवान के सामने फोड़ते हैं ना, वो वाला नारियल, उसमें से जो पानी रहता है वो हफ्ते में उनको दो बार दे देना। आजकल आपने तो घी बिल्कुल बंद कर दिया है घर में, तो उनको बच्चों को खाने में घी बिल्कुल ही देना है, इससे उनका वजन भी बढ़ेगा, उनका उनका जो है ना डाइजेशन पावर वो भी बढ़ जाएगा। अभी मैंने तो आपको बोल दिया कि मिल्क जो आप देते हो तो मिल्क में से उसकी मलाई मत निकालिएगा। आप मिल्क शेक अगर बनाते हो तो उसमें मलाई डाल के, फ्रेश मलाई डाल के उनको बना के दीजिएगा, तो मलाई भी उनके पेट में ही जाएगी। अगर वो बच्चों नॉनवेज खाते हैं तो एग फिश वो खा सकते हैं, मीट भी खा सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा स्पाइसी और ज़्यादा तीखा मत बनाना। और एक बात है कि उनको राइस, व्हीट, ज्वार ये सब देना, लेकिन आप रागी, रागी मतलब फिंगर मिलेट बोलते हैं उसे, दिन में एक बार उस रागी का कुछ भी बना के दीजिए, उसका डोसा बना के दीजिए, उसकी इडली बना के दे दीजिए, या उसका छोटे छोटे लड्डू बना के रागी के बना के दे दीजिए, या उसका आप ये रोटी बना के दे दीजिए। उन बच्चों को रोज़ ये रागी पेट में जानी ही चाहिए, क्यों, इसमें कैल्शियम रहता है, आयरन रहता है, पोटेशियम रहता है, विटामिन सी रहता है, फाइबर रहता है, तो ये बहुत अच्छा रहता है, तो आप बच्चों को ज़रूर दीजिएगा। और सब्ज़ी में ना आप बच्चों को आलू की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, तो आप उनको आलू रोज़ भी खिलाओ तो भी चलेगा, लेकिन आलू के ऊपर का पिल जो है उसका छिलका नहीं निकालना। और आलू जब भी उबालोगे ना, तो जब कुकर में रखोगे तो पानी में नीचे नहीं डालना। आप दाल और चावल रखोगे तो वो चावल के ऊपर एक ढक्कन रख देना और उसके ऊपर वो आलू रख देना, अंदर की जो प्रेशर कुकर की बाफ रहती है ना, तो उस बाफ के ऊपर वो आलू बॉईल होना चाहिए, वो पानी में मत डालिए, क्योंकि पानी में डालोगे ना तो पूरा जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो पानी में चले जाते हैं और बाद में हम न्यूट्रिएंट्स फेंक देते हैं। अब बच्चों को आलू खिला देना कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आलू अगर वैसे भी उनको खाने को अच्छे लगते हैं तो कभी कभी उसके ऊपर मिरी पाउडर, मतलब ब्लैक पेपर, उसके ऊपर डाल देना और उनको खिला देना। हफ्ते में दो तीन बार तो उनको मूंग दाल की खिचड़ी बना के खिला देना, उसमें राइस और उसमें उस मूंग दाल की खिचड़ी में आप वैसे भी बाकी सारी सब्जी या बीन्स वगैरह डालोगे तो भी बहुत अच्छा लगता है और बच्चे बहुत प्यार से खाते हैं। तो मूंग दाल की खिचड़ी हफ्ते में दो तीन बार बना लेना। तूर दाल की जो दाल है वो तो उनको रोज़ ही देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और एक बात बता दूं कि उनको दही खाना सिखा देना, एक रोटी दही रोज़ उनको वो अगर खाते हैं तो उनकी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी बढ़ती है और उनका उनके लिए वो बहुत अच्छा ब्रेन टॉनिक भी है, तो आप उससे कैल्शियम भी बहुत अच्छा मिलता है, उनके हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा है, तो बच्चे फुर्तीले रहते हैं, तेज़ रहते, तेज़ दिमाग वाले भी हो जाते हैं, इसीलिए सुबह शाम उनको दही खिला देना। और आप ऐसे मत सोचना कि रात को दही खाना है ना नहीं खाना है, देखो अगर सर्दी जुकाम होता है ना तभी आप उनको दही नहीं देना, लेकिन वैसे भी तो आप सुबह बनाया हुआ दोपहर को और दोपहर बनाया का रात को ऐसा दही तो आप कभी भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना भी आप उनके लिए करोगे ना तो उनकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी, उनका वेट तो बढ़ेगा ही। और एक बात मैं बता दूं कि बच्चे आपके बहुत तेज़ हो जाएंगे, उनकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, इसकी सेहत की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बीमार नहीं पड़ेंगे। और एक बात मैं बता दूं कि अगर बच्चे पानी में बहुत ज़्यादा खेलते हैं ना तो भी उनको खेलने दीजिए धूप काल में, क्योंकि उससे वो उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। मतलब ये छोटी छोटी जो बातें रहते हैं, हम लोग बहुत प्रोटेक्ट करते हैं उनको, बच्चों को, तो आप इतना प्रोटेक्ट मत कीजिए। और एक बात मैं बता दूं, वो खेलना बहुत ज़्यादा चाहिए, वो गार्डन में जाते हैं तो ज़्यादा जाना चाहिए, उनको लेके जाना चाहिए। अब बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा टीवी के सामने बैठते हैं, वो बैठे तो भी चलता है क्योंकि उसमें से भी उनका ज्ञान बढ़ता है, लेकिन उनका खाना पीना
और वेट गेन, इसके ऊपर माँ जैसे ध्यान देती है वैसे अगर बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है और वेट गेन नहीं हो रहा है तो देख लीजिएगा कि एक बात ज़रूर देख लीजिएगा कि कहीं उनके पेट में वर्म्स तो नहीं है। इसीलिए उनको एवरी 6 मंथ्स उनको डीवर्म कर देना, क्योंकि बच्चे कभी कभी क्या होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा खा लेते हैं लेकिन पेट में वर्म्स होने के कारण उनका वेट नहीं बढ़ता और बीमार पड़ने लगते हैं। देखिए ये भी छोटी सी एक टिप है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।